हेलो स्टूडेंट, आज ट्रांसलेशन की ये क्लास नंबर 27 है। इससे पहले मैंने ट्रांसलेशन के 26 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक बार आप जाके जरूर उसे चेक कर लें। सारे इंटरेस्टिंग पैसेज हैं, कहानियां हैं, छोटी स्टोरी हैं, मॉरल स्टोरीज हैं और मोटिवेशनल स्टोरीज भी हैं। तो आप जाके जरूर उनको एक बार अब मेरे चैनल के ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जो बनी हुई है उस पे जाके जरूर विजिट कर लें। उसी सीक्वेंस में आज हम एक नया ट्रांसलेशन का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप हिंदी के वाक्यों के पढ़ के ट्रांसलेशन के टेंस समझ सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, पास्ट टेंस का यूज हुआ है या फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की क्लास नंबर 27 और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन नंबर 27 में। पहली लाइन लिखी हुई है, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। आपने इतनी लाइन जब पढ़ी होगी कि एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहने वाला एक लड़का था, तो इससे आपको ये जरूर पता चला होगा कि यह बात जो हो रही है पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट कौन सा टेंस होगा? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा नाम आकाश है, तो मैं बोलता हूं माई नेम इज आकाश, तो माई नेम इज लगाए यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज, क्योंकि अभी भी नाम वही रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरी तरह इसमें क्या लिखा है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, तो लड़का था, सॉरी लड़का था, तो क्या लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय। ठीक है, उसका नाम क्या था? राहुल था। तो राहुल नाम के पहले क्या लगाएंगे? हिज राहुल। देयर वॉज अ बॉय नेम क्या था? राहुल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम। Who lived, एक छोटे से गांव के क्या हो गए, हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। अब इसके बाद लिखा हुआ है, राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं थे, यानी राहुल कैसा था, अकेले रहता था, उसके पास कोई यानी क्लोज फ्रेंड नहीं थे। तो क्या दोस्त, खास दोस्त का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। और इसमें एक लाइन और लिखी कि वह बहुत अकेला था, तो इसका क्या लिखेंगे, राहुल। पास्ट का निगेटिव बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम लोग निगेटिव बनाते हैं तो लगाते हैं डिड नॉट, तो राहुल डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड्स। और वह अकेला फील करता था, तो अकेला का होता है लोनली, तो लिखेंगे एंड फेल्ट वेरी लोनली। उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी, तो उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी, तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। तो लिखेंगे क्योंकि ये जो समस्या थी ये क्या थी, एकदम कंप्लीटली, यानी कि इसमें कोई, तो लिखेंगे ही हिज फैमिली, सॉरी हिज फैमिली आल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम्स। उसके पिता ने एक छोटे से ही उद्योग में काम करने के लिए बोला था, यानी उनके पिता ने क्या बोला था कि एक छोटे से उद्योग में काम करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, हिज फादर हिज फादर हिज फादर हैड आस्ड हिम टू
स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस। तो इसी के साथ ये पैसेज का पहला पार्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। मैं तो मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, एक दिन राहुल एक गुरु के पास गया। एक दिन राहुल कहां गया? एक गुरु के पास गया। तो एक दिन की क्या होगी? वन डे। फिर लगा देंगे क्या हम लोग? कॉमा। एक दिन राहुल गुरु के पास गया, यानी कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो कहेंगे राहुल वेंट टू अ गुरु, जो उसे सफलता के बारे में सिखाने के लिए थे। यानी कि जो गुरु क्या करते थे, उसे ये बताना था कि कैसे सफल हुआ जाए। तो लिखेंगे हु, जो कि क्या होगी? हु सिखाने क्या होगी? टॉट। हु टॉट हिम, इसके बारे में। अबाउट प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे? अचीविंग। सफलता क्या लिखेंगे? सक्सेस। इन लाइफ गुरु ने राहुल को उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाने के लिए कहा। ये गुरु ने क्या कहा राहुल से? कि आप एक उद्देश्य बनाइए। तो कहा कि कौन सा टेंस होगा? फिर पास्ट का इंडेफिनिट होगा। अगर कोई कुछ कहता है तो क्या होगा? गुरु क्या करने के एडवाइस देंगे, तो क्या लिखेंगे? द गुरु। फिर गुरु की बात अगर ऊपर एक बार हो चुकी है, तो दोबारा अगर उन्हीं की बात करेंगे, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे, क्योंकि डिनोट करेंगे स्पेशली उन्हीं गुरु को। तो द गुरु एडवाइज्ड किसको? राहुल को। द गुरु एडवाइज राहुल टू सेट अ गोल। काहे का गोल? इन हिज लाइफ राहुल ने समझ लिया कि यह सही है, और उसने अपने जिंदगी के लिए एक उद्देश्य बनाया। तो राहुल ने समझ लिया तो मतलब अंडरस्टूड कर लिया। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म होगी, क्योंकि ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि यहां पे एक्शन क्या है? इनकम्प्लीट है। तो लिखेंगे राहुल अंडरस्टूड। क्या अंडरस्टूड किया? दैट दिस वॉज द राइट थिंग। दिस वॉज द राइट थिंग टू डू एंड डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए एक गोल सेट किया। इसी के साथ यह स्टेंजा भी फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। फिर अगले स्टेंजा की शुरुआत में लिखा है, राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से काम किया। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से काम किया, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो लिखें राहुल वर्कड, राहुल वर्कड हार्ड, मेहनत और लगन की, विद डिटर्मिनेशन। और उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। तो और की लगाएंगे एंड, हासिल करना है अचीव्ड, ACHIEVED, अचीव्ड हिज गोल। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और उसने अपने बिजनेस के माध्यम से बहुत सफलता हासिल की। तो इसने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस से लिखेंगे ही
ही स्टार्टेड स्मॉल कंपनी एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल। इसे अपने बिजनेस के थ्रू हिज बिजनेस अब वह खुश है और उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य होने के कारण उसने अपनी जिंदगी को सफल बनाया। तो अब वह खुश है तो क्या लिखेंगे, अब वह खुश है यानी कि प्रेजेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब वह खुश है इसमें आपसे बोलो अब मैं खुश हूं, तो ये प्रेजेंट की बात होगी, तो लिखेंगे नाउ ही इज हैप्पी, नाउ ही इज हैप्पी। और उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य होने के कारण एंड ही कारण क्या होगी, एट्रीब्यूट्स ATRIBUTES ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हैविंग अ गोल इन लाइफ। इसी के साथ यह स्टैंजा भी फिनिश हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा की तरफ। लास्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए। कितनी प्यारी कहानी थी, तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं इस लाइन का। तो इस कहानी क्या लिखेंगे, दिस स्टोरी टीचेस TECHES टीचेस अस दैट वी शुड हैव अ गोल इन लाइफ। तो इसी के साथ यह पैसेज समाप्त हुआ। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको यह पैसेज अच्छे से समझा पाया हूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।